नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज से दिल्ली पूरी तरह से अनलॉक है। हालांकि कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे पाबंदियां हैं तो, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज सुबह ही जब मैं दिल्ली से नोएडा ऑफिस आ रही थी तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। तो ऐसा ना करें, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। चलिए आपको बताएंगे क्या है सुबह की ताज़ा खबरें, पर उससे पहले आपकी सुबह को और ताजगी देने के लिए सुनिए कुछ खास पंक्तियाँ। ताकत विचारों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, भावना देखे, संभावना नहीं। शुभ प्रभात। चलिए शुरू करते हैं सुबह की खबरों का सिलसिला। कोरोना के चलते थमी हुई राजधानी दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज यानी सोमवार से बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, बाजारों और रेस्टोरेंट को फिर से खोलने के लिए पूरी तरह से छूट दे रहे हैं, पर अगले सप्ताह तक नजर रखेंगे। अगर कोविड-19 के मामले नहीं बढ़ते हैं तो हम छूट जारी रखेंगे, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो हमें प्रतिबंध फिर से लागू करने होंगे। दिल्ली में क्या क्या खुला रहेगा जल्दी से आपको बता देते हैं। सभी मॉल, दुकानें, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, निजी दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैलून, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकानें और धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन उनमें श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में क्या क्या बंद रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, योग संस्थान, सभागार, बैंक्वेट हॉल, सार्वजनिक उद्यान, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को अभी खोले जाने की इजाजत नहीं है। आवागमन पर पूरी तरह से रोक हट गई है। आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों एवं सामान के राज्यों के भीतर और अंतरराज्य आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा इसके लिए अलग से अनुमति या ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बढ़ते रुक करते हैं कुछ और खबरों का। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में घोटाले का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने 2 करोड़ रुपए में बिकी हुई जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीद कर बड़ा घोटाला किया। वहीं चंपत राय ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए बोला है कि मुझे ऐसे आरोपों की चिंता नहीं है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी फूट पड़ने के संकेत मिल रहे हैं, जहां पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ बगावत देखने को मिल रही है। दरअसल पार्टी के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से अलग दल बनाने की मान्यता देने की मांग की है। पार्टी के 6 में से 5 सांसद चिराग पासवान के खिलाफ है। कहा जा रहा है कि ये विद्रोह चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस पासवान की अगुवाई में किया जा रहा है। तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। पेट्रोल और डीजल आज एक बार फिर से महंगे हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 96.41 रुपए और डीजल 87.28 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बता दें कि वेट और माल ढुलाई शुल्क जैसे स्थानीय करों के चलते विभिन्न राज्यों में ईंधन की कीमतें अलग अलग होती हैं। देश में पेट्रोल पर सबसे अधिक वेट राजस्थान में लगता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है। यानी कि एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर डाका डला है। तो आखिरी खबर खेल जगत से है, जो शायद भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए थोड़ी मायूस कर देने वाली हो सकती है। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी, अब वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब है कि इंग्लैंड की टीम भारत की टीम को पछाड़ दिया है और अब दुनिया में नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। यानी कि टीम इंडिया को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज की सुबह की खबरों में इतना ही, लेकिन पूरे दिन अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और अपना खास ख्याल रखिएगा।